आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ Question is in the given figure AB parallel to CD and EF parallel to DQ find PDQ. PDQ means हमें ये वाला एंगल find out करना है ठीक है Question में क्या क्या given है AB. AB बी ये वाली साइड हो गई पैरल हो गई सी डी के दिस वन नेक्स्ट हमें गिवन है ई एफ ई एफ इज दिस वन ये पैरेलल है डी क्यू के ठीक है तो सबसे पहले जब हमें क्वेश्चन में गिवन है उसको यूज करके हम फाइंड करेंगे पी डी क्यू देखिए वी हैव गिवन कि ए बी पैरेलल है सी डी के अगर ए बी पैरेलल है सी डी के तो हम कह सकते हैं पी ई ट्रांसवर्जल का काम करेगी ए बी पैरेलल टू सी एंड पी इज ट्रांसवर्जल ठीक है ट्रांसवर्जल तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि जो एंगल PDC हुआ एंगल PDC एंड एंगल PEA दोनों ट्रांस दोनों हो जाएंगे करस्पोंडिंग एंगल्स करस्पोंडिंग एंगल्स तो इनको हम मेंशन कर देते हैं कि कौन से एंगल हो गए। देखिए एंगल PDC ठीक है ये वाला एंगल PDC और एंगल PEA ये दोनों ही 34 डिग्री हो जाएंगे ये भी सो so नाउ हम लिख सकते हैं कि एंगल पीई ए बी एंगल पीई ए बी थर्टी फोर डिग्री हो जाएगा अब देखिए एंगल हम ले सकते हैं अब एंगल लेते हैं पीई ए -E मतलब कहने का ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा ये एक लीनियर पेयर का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो देखिए एंगल पीई ए -E प्लस एंगल पीई एफ -E प्लस एंगल एफ ई बी इन तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री अब इसमें पीई ए e, का मीजर हमें 34 डिग्री गिवन ही है साथ ही 78 डिग्री मीजर हमें गिवन है एफ ई बी का इसका 78 डिग्री है इसकी वैल्यू हम अभी फाइंड आउट करेंगे PEF एफ की इज इक्वल टू वन एटी दोनों को एड करके माइनस कर देते वन एटी से एंगल PEF एफ का मीजर आ गया देखिए सिक्सटी एट डिग्री अब सेकेंड थिंग वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन एफ साइड पैरल है साइड के। जब ये साइड पैरल है आपस में तो हम कह सकते हैं कि कौन सा एंगल इक्वल हो जाएंगे एंगल पी डी क्यू विल बी इक्वल टू एंगल पीई एफ के दोनों का मीजर कितना हो गया दोनों का ही मीजर सिक्सटी एट डिग्री क्योंकि पीई एफ अभी अभी हमने सिक्सटी एट डिग्री

आज ही डाउनलोड करें डाउट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर